हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लेके हैं एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे HTML के फ्रेम के ही बारे में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं कि फ्रेम कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो भी हमने देखा था कि फ्रेम का मतलब क्या होता है कि जब एक वेब पेज में हमने मल्टीपल वेब पेज शो करवाने हो, दिखाने हो अपने क्लाइंट को, उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, आई फ्रेम यूज़ करते हैं। आज हम इस आई फ्रेम की लाइव एग्जांपल दिखाएंगे आपको किन किन वेबसाइट में ये यूज़ किया गया है। ठीक है, पहले हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, उसके बाद आप लाइव एग्जांपल जो भी वेबसाइट में यूज़ किया, करंटली यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, आई फ्रेम SRC ऑर्डर, उसमें एक वेबसाइट ओपन कर दी, तो सॉरी वेबसाइट, उसमें एक हमने HTML का प्रोग्राम उसका सोर्स दे दिया कि इस फ्रेम में क्या कौन सा प्रोग्राम ओपन हुआ HTML का, ऑर्डर टू का एक हमने प्रोग्राम उसी लोकेशन पर रखा हुआ जहाँ पे आई फ्रेम डीजे वाला प्रोग्राम रखा हुआ है। ठीक है, उसी लोकेशन पर link.html, दोनों प्रोग्राम सेम लोकेशन पर रखे हुए हैं जहाँ पे जे प्रोग्राम पड़ा हुआ है iframe.html। ठीक है, और इसकी विड्थ दे दी, हाइट दे दी, और एक नई चीज़ हमने दी, इसका नेम दिया और आईडी दी। ठीक है, आप नेम भी दे सकते हो, आईडी भी दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आपने की करना है, नेम ही देना है, आईडी भी आप दोगे कि कई ब्राउज़र इस जो भी मैं आप काम करने के आप करके दिखा रहा हूँ वो सपोर्ट नहीं करता उसको। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने नेम और आईडी साथ में क्यों दिए हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम हो गया तो हमने क्या किया, हमने इसकी आउटपुट पे गए, जो हमारी आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी आउटपुट है, ये आउटपुट है कि जब भी हम ABC पे क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम नए फ्रेम में जे वाली ABC ना कि जो लिंक वाली फाइल कौन से फ्रेम में, नेक्स्ट फ्रेम में ओपन हो रही है, ये देखो कैसे हो कैसे रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जे वाली हमने इसमें ऑर्डर टू की फाइल ले दी। ठीक है, ऑर्डर टू की फाइल है जे वाली है, हमने ऑर्डर टू फाइल पे गए, ऑर्डर टू फाइल पे हमने क्या किया, एक एंकर टैग दिया, हमने क्या किया जहाँ पे इंटेंट अटैक एंकर टैग दिया उस पर हमने जे वाल दिया कि टारगेट, जब टारगेट हो, जब हम ABC पे क्लिक करें, जब हम ABC पे क्लिक करें तो टारगेट JCC पे जाए। JCC क्या है, JCC हमारा दूसरा फ्रेम का नेम है। ठीक है, जे देखो JCC हमारा क्या है, एक फ्रेम का नेम है। बहुत सारे मतलब थोड़े अब कुछ ब्राउज़र हैं जो नेम फ्रेम नेम को नहीं एक्सेस करते, तो उसके लिए हमने क्या दिया, आईडी, कि हमने आईडी भी दे रखी है, अगर वो नेम को नहीं एक्सेस करते वो आईडी को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम तो नेम को एक्सेस कर, अगर कोई ब्राउज़र नेम को एक्सेस नहीं कर रहा तो वो आईडी को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, हम बहुत तो दोनों साइडियाँ साइड्स नाल कैरी कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, अगर कोई ब्राउज़र नेम को सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो आईडी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब भी हम ऑर्डर टू एक फाइल बनाई हुई है उस पर हमने जे वाला एंकर टैग दिया होगा, कि एंकर टैग दिया कि टारगेट JCC। ठीक है, ABC पे जब हम क्लिक करेंगे तो टारगेट कहाँ जाएगा, हमारा JCC। JCC हमारा की है एक फ्रेम का नेम है, ये हमारा फ्रेम का नेम है JCC, उस पर उस वाले फ्रेम में कौन सी फाइल ओपन करेगा, जे वाली फाइल ओपन कर देगा। ठीक है, जे सेम ही हो रहा है तो हम इसको रीलोड करते हैं कि देखो अब इसमें एक और फाइल ओपन की हुई है, इसमें कौन सी फाइल ओपन हुई है, उसमें हमने अभी की हुई है कि जे वाले में link.html, कि हमारे प्रोग्राम में हमारे कंप्यूटर में एक फाइल पड़ी हुई है link.html, इस फ्रेम में हमने link.html ओपन की हुई है। नॉर्मल कोई भी फाइल आप ओपन कर सकते हो फ्रेम में। ठीक है, तो हमने बाइट पर लिंक फाइल जे वाली फाइल ओपन कर ली, तो जब हमने ABC पे क्लिक किया तो हमारे जो नए वाले फ्रेम पे कौन सी फाइल ओपन हो गई, जे वाली इंस, जो भी हमने फाइल दी हुई है, हमने जे वाली जो फाइल दी हुई है ना, जे वाली इंस वन, वो वाली उस टारगेट फ्रेम पे ओपन होगी। इस तरह से हमने क्या किया, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को टारगेट कर लिया। जे देखो, हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमने आप मैक्सिमम पढ़ रहे हो कि डबल, जो हमने कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी सीखनी हो तो उसके लिए हम मैक्सिमम टारगेट करते हैं W3 School वेबसाइट, जो बहुत बढ़िया ही वेबसाइट है, W3 Schools हम देते हैं। ठीक है, W3 Schools, हाँ जी देखो, हमने इस पे HTML पे गए, हाँ HTML पे गए, जे वाला देखो, जे वाले भी फ्रेम ही यूज हुए हैं। ठीक है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं, जब कुछ भी किसी चीज पे भी हेडिंग या एट्रीब्यूट HTML पे किसी पे भी क्लिक करते हैं तो जे सात वाले फ्रेम में ओपन हो रहा है, तो जे वाला सात वाले फ्रेम पे जे देखो ओपन हो रहा है।
जे वाला साथ वाले फ्रेम पे ओपन हो रहा है, जिस सेम ही जैसे हम कर रहे हैं ना, एक फ्रेम पे जब क्लिक करते हैं उस फाइल में तो वो टारगेट दूसरे वाले फ्रेम में जा रहा है। ठीक है, जे देखो सेम जैसे हमने कि हमने फ्रेम बनाया उस पर क्लिक किया, वो टारगेट करके कहाँ गया, नेक्स्ट वाले फ्रेम पे। इस तरह से जो लाइव एग्जांपल है, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, इस प्रोग्राम समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।